नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आप सभी को पता है, हम अपने पिछले सेशन से ही पढ़ रहे हैं समास, यानी कि शब्द निर्माण की जो एक प्रक्रिया है उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है समास। और समास के भेदों के बारे में हम यहाँ पर जान रहे थे, जो हमारा पिछला सेशन चल रहा था। तो इसमें मैंने समास के भेदों के बारे में आपको बताया था कि हमारे जो समास के 6 भेद होते हैं, और इसमें हमने अव्ययी भाव समास को हमने पढ़ लिया था, और तत्पुरुष समास यानी कि जो सेकंड पार्ट है समास का, दूसरा भाग जो दूसरा भेद है उसे हम पढ़ रहे थे। और तत्पुरुष समास के भी उपभेदों को मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, आपके सामने रखा था। आशा करती हूँ कि आप सभी को याद होगा, आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। तो आज भी हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी रेडी हो जाइए अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं समास के बारे में, और समास के भेदों को हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। समास के दूसरे भेद पर हम थे, समास का पहला भेद जो कि अव्ययी भाव समास हमने पढ़ा, और अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा था कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और तथा प्रधान भी होता है, यानी कि पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इससे बना हुआ जो शब्द होता है यानी कि इसका जो सामासिक पद होता है वो भी समास होता है, अर्थात ये किसी भी लिंग वचन कारण के कारण परिवर्तित नहीं होता है, की वजह से नहीं बदलता है। उसके बाद हमने सेकंड जो पढ़ा था वो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हमने यहाँ पर पढ़ा कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, देखिए सारे जो समास है आपको तभी कंफर्म होंगे, तभी आपको क्लियर होंगे, तभी आप इनको समझ पाएंगे जब तक आप इनकी इन विशेषताओं को याद नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले वाले में हमने पढ़ा कि अव्ययी भाव समास नाम है, अव्ययी भाव समास यानी कि प्रथम पद अव्यय भी है और प्रथम पद समास भी है। और दूसरे में तत्पुरुष समास यानी कि जिस समास में उत्तर पद यानी कि बाद का पद। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को क्लियर कराई हैं कि जो सामासिक पद होता शब्द होता है उसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। और यहाँ पर तत्पुरुष समास बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि दोनों पदों के बीच के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, दोनों पदों के बीच लगी जो विभक्ति होती है इसका लोप हो जाता है, यानी कि विभक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। जैसे पूर्व पद है देश, आपका उत्तर पद है भक्ति, दोनों के बीच में विभक्ति चिन्ह है के लिए, देश के लिए भक्ति। अगर आप इसका सामासीकरण करते हैं तो आपका शब्द बनता है, जो समस्त पद है वो बनता है देशभक्ति। और इस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें विभक्ति चिन्ह जो है देश के लिए भक्ति का, के लिए शब्द का लोप हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नीति मैं निपुण, तो नीति मैं निपुण जो मैं शब्द है वो आपका विभक्ति चिन्ह है और उसका यहाँ पर लोप हो चुका है। शरण में आगत, शरणागत मैं शब्द जो है उसका लोप हो चुका है। लाखों का पति, लखपति जो शब्द है इसमें का शब्द का लोप हो चुका है। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के विभक्ति चिन्ह यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। जो भी तत्पुरुष समास में आप उदाहरण देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इन सभी में अलग अलग तरह के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो अलग अलग विभक्ति चिन्हों के प्रयोग के कारण ही हमने तत्पुरुष समास को 6 भेदों में बांटा है। आप देख सकते हैं कि हमने तत्पुरुष समास को भी 6 उपभेदों में बांटा है। और देखिए ये हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा भी है कि बीच में आने वाली विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। बीच में आने वाली विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद
होते हैं। नेक्स्ट, हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेदों को पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले हमने कहा कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष यानी कि इसमें जो कर्म कारक चिन्ह है विभक्ति चिन्ह को, इसका लोप हो जाता है, यानी कि कर्म कारक विभक्ति चिन्ह जो लगा हुआ है को इसका लोप हो जाता है। जैसे अगर आपको समास बताना है कि इसमें कौन सा समास है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी विभक्ति करेंगे, यानी कि आप इसका समास विग्रह करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के शब्द इसमें प्रयोग हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर देखा एग्जाम्पल में आप देखिए, ग्राम को गया हुआ, को ग्रामगत, ठीक है, कीट को नष्ट करने वाला, कीटनाशक, परलोक को गमन, परलोक गमन, वन को गमन, वन गमन, ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि इनमें जो कारक चिन्ह लगे हुए हैं, विभक्ति चिन्ह लगे हुए हैं, इनका लोप हो जाता है। सेकंड हमने पढ़ा था करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष इसमें कारक, जो करण कारक चिन्ह होता है उसकी विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप हो जाता है। और देखिए, तत्पुरुष समास को हमने छह भेदों में बांटा ही इसीलिए है क्योंकि इसके जो कारक चिन्ह है वो अलग अलग है, या जो विभक्ति चिन्ह है वो अलग अलग है, तो इन्हीं विभक्ति चिन्हों के कारण ही हमने इसे अलग अलग भागों में बांटा है, यानी कि छह उपभेदों में बांटा है। तो आप देख सकते हैं सबके विभक्ति चिन्ह अलग अलग है। सबसे पहले कर्म कारक चिन्ह को है, फिर करण कारक चिन्ह से तथा के द्वारा। तो देखिए, जैसे मन से चाही, मन चाही, ठीक है, देखते हैं आप यहाँ पर से जो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो चुका है। तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत, मुह से मांगा, मुह मांगा, तो आप देख रहे हैं कि जो से यहाँ पर हमारा जो विभक्ति चिन्ह था, या के द्वारा जो हमारा विभक्ति चिन्ह था करण कारक, ये इसका हमारा यहाँ पर लोप हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, संप्रदान तत्पुरुष में हमने यहाँ पर हमारा छोड़ा है और इसको हमने करना है। तो इसमें क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष में इसका भी हम बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम्पल लिखेंगे, और हमने ये होमवर्क के लिए भी आपको दिया था कि क्या इसमें हो सकता है। तो देखिए, बहुत ही ज्यादा इजी था, अगर किसी बच्चे ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो अभी हम यहाँ पर करेंगे, आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं, फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सेम लिखेंगे इसमें संप्रदान कारक चिन्ह या संप्रदान कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, संप्रदान कारक की विभक्ति मैंने लिखा हुआ है यहां पर के लिए, ठीक है, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, के लिए लुप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम्पल है इसके, देव के लिए आलय, स्नान के लिए घर, या रसोई के लिए घर। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं देव के लिए आलय, तो देव के लिए आलय में क्या आप लिखेंगे, देव के लिए आपका जो विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है, उसका लोप हो जाएगा, तो आपका बनेगा देवालय। इसी तरह से स्नान के लिए घर, स्नान घर,
अगर रसोई के लिए घर शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा तो उसमें शब्द बनेगा रसोई घर। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ले सकते हैं हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री या डाक के लिए गाड़ी। तो क्या होगा, हवन के लिए सामग्री यानी कि हवन सामग्री, इसी तरह से डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। ठीक है, तो ये हमारे संप्रदान तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं जिसमें संप्रदान कारक चिन्ह, देखिए आपको कारक चिन्ह हमेशा याद होने चाहिए कि कौन सा कर्म कारक चिन्ह है, कौन सा करण कारक चिन्ह है, कौन सा संप्रदान कारक चिन्ह है या कौन सा अपादान कारक चिन्ह है। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा अपादान कारक चिन्ह के बारे में, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि विभक्ति चिन्ह चेंज हो जाएगा, अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है से, तो हम इसमें लिखेंगे इसमें अपादान कारक, अपादान कारक की विभक्ति से अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है, ते का लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं पाप से मुक्त, पाप से मुक्त क्या होगा, पाप मुक्त। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे जल से हीन, रोग से मुक्त, धन से हीन। तो इस तरह के जहां पर आप एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, जल से हीन, जलहीन, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, धन से हीन, धनहीन। ठीक है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, देश से निकाला, देश निकाला, संतान से हीन, संतानहीन, तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि अपादान कारक चिन्ह जो है, अपादान कारक विभक्ति चिन्ह जो है वो आपका से है, ठीक है, तत्पुरुष। ठीक है, अब इसमें संबंध कारक चिन्ह जो होंगे वो आपको यहां पर बताए जाएंगे, ठीक है, संबंध तत्पुरुष। नंबर 5 है संबंध
तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें जो संबंध कारक की विभक्तियां होती हैं, ठीक है, इसे लिख लेते हैं, इसमें संबंध कारक की विभक्ति, ठीक है, संबंध कारक की विभक्तियां कौन कौन सी है ये आपको याद रखनी है, का, के, की, ये आपकी संबंध कारक विभक्तियां हैं। क्या? का, के, की, संबंध कारक विभक्तियां आपको याद रखनी है। आदि, ठीक है, आदि भी आपका इसमें आएगा, आदि लुप्त हो जाती है, जो संबंध कारक विभक्तियां होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि क्या इस तरह की कौन कौन सी विभक्तियां हो सकती हैं, इस तरह के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखिए, संबंध कारक की विभक्ति, जैसे हमने कहा का, के, की, तो राजा का पुत्र, आप देख रहे हैं शब्द से हमें संबंध का पता चल रहा है, राजा का पुत्र या राजा की कुमारी या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो जैसे हमने लिखा राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा की कुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी। तो आप देख रहे हैं दोनों जो हमने यहां पर एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें जो संबंध कारक चिन्ह है यानी कि संबंध बताने वाले, हमने डायरेक्ट राजा का पुत्र नहीं बोला, हमने उन दोनों का संबंध नहीं दिखाया कि ये राजा का पुत्र है या राजा की कुमारी है। तो हमने डायरेक्ट उसको संबंध कारक चिन्हों का लोप करते हुए डायरेक्ट उच्चारण किया राजपुत्र या राजकुमारी, ठीक है, राजा का पुत्र, राजपुत्र या राजकुमारी, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे और भी एग्जाम्पल, बहुत ही इजी इजी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई एग्जाम्पल पता हो तो वो हैंड रेज करके अपने आप माइक लेकर के बता सकता है, बहुत ही इजी। क्लास 11th के आप बच्चे हैं और अभी तक ये सारी चीजें आप काफी बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अभी तो ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ये आपके कहने पर ही आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है कि जिन बच्चों ने कहा कि मैम हमें ये पढ़ाइए, हमें बताइए, क्योंकि हम अक्सर जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो कुछ हम हिंदी की जो महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, अक्सर हम उनको पीछे छोड़ देते हैं और आगे की पढ़ाई पे लग जाते हैं और जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो कई बार छूट जाती हैं। तो अगर इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं जिसमें का, के, की चीजों का संबंध तत्पुरुष जो विभक्ति जो कारक चिन्ह है इनका प्रयोग होता है, तो आप भी कुछ एग्जाम्पल्स, अपने कुछ आइडियाज, अपने कुछ उदाहरण हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, बिल्कुल भी आपको डरने की, घबराने की, शर्माने की जरूरत नहीं है। आपको जो समझ में आता है, आपको लगता है कि हाँ इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, तो जैसे आप क्लास में बोलते हैं ऐसे ही आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ पर कोई भी आपको कुछ नहीं यहाँ पर कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी ना तो कंपटीशन यहाँ पर हो रहा है और ना ही यहाँ पर आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आपको लगता है आपको एग्जाम्पल आता है तो आप बता सकते हैं। यस, कुछ और एग्जाम्पल तब तक मैं आपको बताती हूँ, आप याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने कहा विद्या
का सागर, विद्या सागर, विद्या सागर, ठीक है। इसी तरह से और भी, गंगा का जल, का जल, गंगा जल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने संबंध तत्पुरुष के पढ़े। और भी एग्जांपल्स अगर आप जानते हैं, अगर आपको आ रहे हैं समझ में, आपको लगता है कि हाँ ये इसका एग्जांपल हो सकता है, तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्पेस आपके लिए छोड़ा है, अगर आपको आता है, आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। नंबर 6 है हमारा, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें जो अधिकरण कारक की विभक्तियां होती हैं, जैसे मैं, पर, ये लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। इसमें अधिकरण की जो विभक्तियां होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। तो इन्हें लिख लेते हैं, लिख के हमें ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, बस आपने याद भी करना है। इसमें अधिकरण कारक की, अधिकरण कारक की विभक्तियां, अधिकरण कारक की विभक्तियां क्या बताई मैंने, मैं और पर, ठीक है। अधिकरण कारक की विभक्तियां मैं और पर का लोप हो जाता है, ठीक है। जो अधिकरण कारक जो विभक्तियां होती हैं, इनका लोप हो जाता है, और वो विभक्तियां कौन कौन सी है, मैं और पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेंगे, ग्रह, ग्रह प्रवेश। तो यहां पर कौन सी विभक्ति यहां पर लुप्त हुई है, कोई बच्चा बता सकता है कि कौन सी विभक्ति का यहां पर लोप हुआ है, कौन से विभक्ति का कारक चिन्हों का यहां पे लोप हुआ है। यहां पर ग्रह प्रवेश, यानी कि ग्रह में प्रवेश, मैं जो यहां पर विभक्ति चिन्ह था, मैं जो यहां पर कारक चिन्ह था, उसका लोप हो गया है, ठीक है। इसी तरह हमने कहा मैं और पर, मैं और पर की मैंने यहां पे बात की थी। तो अगर मैं कहूं आप बीती, तो यहां पर कौन से कारक चिन्ह का लोप हुआ है, आप पर बीती, ठीक है। तो पर शब्द का यहां पर लोप हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, शरण चरणागत, शरणागत। तो कौन सी विभक्ति चिन्ह का यहां पर लोप हुआ है, शरण में आगत, ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसके बता सकते हैं कि कौन से इस तरह के शब्द होंगे जिस पर इस तरह के विभक्ति चिन्ह लगे होंगे, जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सर दर्द, सर में दर्द, रणवीर, रण में वीर, रसमग्न, रस में मग्न। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें आप इस तरह के शब्द लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो तत्पुरुष समास है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं सारे जो 6 के 6 इसके हमने उपभेद कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला कर्म तत्पुरुष, और याद रखने वाली चीज क्या है, याद रखने वाली चीज है इसमें इसके जो विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, इसके जो विभक्ति चिन्ह है ये आपने याद रखने हैं। जैसे अगर आप कर्म तत्पुरुष कर रहे हैं तो कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक चिन्ह आपने को याद रखना है। कर्म कारक चिन्ह आपका क्या है, को, जैसे हमने कहा यहाँ पर कहा ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत, कीट को नष्ट करने वाला, और परलोक को गमन। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसी का नेक्स्ट अगला हमने पढ़ा करण तत्पुरुष, जिसमें हमने से और के द्वारा जो है दो कारक चिन्हों को पढ़ा। नेक्स्ट अगला हमने पढ़ा संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें हमने के लिए जो विभक्ति चिन्ह था उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अपादान तत्पुरुष पढ़ा, और जिसमें हमारा से जो है विभक्ति चिन्ह था। उसके बाद हमने पढ़ा संबंध तत्पुरुष, जिसमें संबंध कारक चिन्ह थे का, के, की, ठीक है। नेक्स्ट हमने अपादान पढ़ा, और उस अधिकरण तत्पुरुष पढ़ा, जिसमें मैं और पर जो कारक चिन्ह है इनका लोप हो जाता है। तो चलिए फटाफट से कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, और इसमें आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा। शोक कौन सा तत्पुरुष समास है, क्योंकि केवल तत्पुरुष समास के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ अभी, तो एग्जाम्पल भी इसी के लेंगे। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, पुत्र शोक तत्पुरुष समास है, इतना आइडिया मैंने आप लोग को दे दिया। लेकिन मैंने कहा तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हमने यहाँ पर पढ़े हैं अभी अभी, वो भी उनके कारक चिन्हों के कारण। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप पुत्र के लिए शोक, अगर आप शब्द दिया गया है पुत्र शोक, तो उसका आप समास विग्रह करेंगे पुत्र के लिए शोक। अभी आपको और भी हिंट मिल चुकी है, और भी ज्यादा आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये कौन सा समास है। बहुत ही ज्यादा इजी मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है बताने के लिए, आप बता सकते हैं कौन सा समास है, चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं, पुत्र के लिए शोक। अब मैंने आप लोग को बहुत ही हिंट भी यहाँ पे दे दी है, बहुत ही इजी आपके लिए कर दिया है। चलिए नेक्स्ट एक और मैं आप लोग को यहाँ पर देती हूँ, जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा एक और शब्द आपके लिए यहाँ पर है, समास बताना है आप लोगों को। चलिए इसको भी मैं और इजी कर देती हूँ, जेब को कतरने वाला, समास विग्रह करके भी मैंने आप लोगों को दे दिया। आपको केवल समास बताना है कौन सा समास है, और इतनी भी हिंट दे चुकी हूँ कि तत्पुरुष समास ही है, क्योंकि केवल अभी तक हम 2 समास पढ़े हैं, हमने अव्यय भाव समास और तत्पुरुष समास। तो केवल अव्यय भाव समास के अंदर से आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। जब भी आप क्लास में बैठते हैं बच्चे, आपको जो चीज यहाँ से पढ़ने के लिए दी जा रही है, सुनने के लिए, समझने के लिए दी जा रही है, जरूर उस पर ध्यान दें, जरूर उसको समझें, जरूर उसको पढ़ें। कोई भी चीज कभी भी वेस्ट नहीं होती है, अगर आपने कुछ सीख लिया तो अच्छी बात है, वो कहीं पे भी आपके काम आ सकती है। ये नहीं कि आप क्लास में बैठे हैं सिर्फ आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं या अपने काम में लगे हुए हैं। काम तो आप अपने एक्स्ट्रा टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अगर कुछ बताया जा रहा है तो उसको ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अभी हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, अभी अभी हम सारी चीजों से आगे निकले हैं, और आप ये सारी चीजें अभी अभी भूल गए। मैंने कहा कि तत्पुरुष समास जो है उसमें हमेशा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। और एक और चीज मैंने आपको तत्पुरुष समास के लिए बताई थी कि इसमें क्या होता है, हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है।
और कारक चिन्हों के लोप के कारण ही इसको हमने छह भेदों में, छह उपभेदों में बांटा था। कौन कौन से उपभेद? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ पर केवल दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, पुत्र शोक और उसका विग्रह भी करके दिया पुत्र के लिए शोक। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको वाक्य दिया जेब कतरा, यानी कि जेब को कतरने वाला। और मैंने देखिए अब चैट के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं, मैं फटाफट एक बार फिर से रिवाइज इन चीजों को करूंगी। ये प्रश्न जो है ये यहीं पे रहेंगे, आंसर केवल आप लोग देंगे इसका। तो देख लीजिए एक बार फिर से पीछे चलते हैं, कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक चिन्ह अभी अभी रिवाइज किया था, को का लोप हो जाता है, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत अगर आपको शब्द दिया गया है आप उसका आप विग्रह करेंगे, समाज समास विग्रह करेंगे, ग्रामगत ग्राम को गया हुआ, कीट को नष्ट करने वाला यानी कि कीटनाशक अगर शब्द दिया गया है तो उसका आप इस तरह से विग्रह करेंगे, परलोक को गमन। तो आप देख रहे हैं हर शब्द में को कारक चिन्ह जो है उसका ही लोप हो रहा है। ठीक है, हर जो अभी यहाँ पर हमने लिखा है उसमें सब में को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। नेक्स्ट आप केवल इतना लिख सकते हैं अभी, और परिभाषा केवल लिखेंगे, बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद से लिखेंगे। आप केवल परिभाषा लिखिए, इसमें कर्म कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं को का लोप हो जाता है। नेक्स्ट करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप हो जाता है, जैसे मन से चाही, तुलसी द्वारा कृत, मुंह से मांगा। नेक्स्ट संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो के लिए है, संप्रदान तत्पुरुष की जो विभक्ति चिन्ह है वो के लिए है। तो इसमें आप एग्जाम्पल, जब आपको शब्द आता है देवालय यानी कि देव के लिए आलय, स्नान घर स्नान के लिए घर, रसोई घर रसोई के लिए घर, विद्यालय विद्या के लिए आलय। तो इस तरह जहाँ पर के लिए शब्द, आपको जो भी शब्द दिया जाता है कि आपको उसमें उसका समास बताना है, तो उसके लिए आपने उस शब्द का हमेशा पहले समास विग्रह करके देखना है और उसके बाद आपको देखना है कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है। इसी तरह से हमने कहा अपादान तत्पुरुष, तो अपादान तत्पुरुष में हमने कहा कि से जो विभक्ति चिन्ह होता है इसका लोप होता है, जैसे पाप से मुक्त और जल से हीन, रोग से मुक्त, धन से हीन। तो इस तरह धनहीन, रोग मुक्त, जलहीन जब शब्द आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आप उनका समास विग्रह करेंगे। ठीक है, यानी कि उसकी पूर्व अवस्था में जब आप उसको लेकर आ जाएंगे शब्द की, उसी को समास विग्रह कहा जाता है। फिर संबंध तत्पुरुष में हमने बताया ऐसे शब्द जो कि संबंध बताते हो, जैसे का के की, राजा का पुत्र, राजा की पुत्री, राजा की कुमारी। तो जैसे कि एग्जाम्पल विद्या का सागर, सागर विद्या का, विद्या सागर, गंगा का जल, गंगा जल, राजा की कुमारी, राजकुमारी। और इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें मैं और पर का लोप हो जाता है, जैसे गृह प्रवेश, गृह मैं प्रवेश, आप बीती, आप पर बीती, सर में दर्द, सर दर्द। तो इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा पुत्र शोक, यानी कि फिर मैंने इसका समास विग्रह करके आपको बताया पुत्र के लिए शोक। अब आप फट से अपनी कॉपी में देखेंगे या याद करेंगे उस चीज को कि आपने क्या लिखा है, कौन से तत्पुरुष समास में आपका के लिए कारक चिन्हों का लोप होता है। तो संप्रदान तत्पुरुष समास इसमें आपका आएगा, क्या आएगा? संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अगला मैंने कहा जेब को कतरने वाला, तो जेब को कतरने वाला, तो का यहाँ पर हमने कहा को जो है वो क्या है, आपका कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष को यानी कि जेब को कतरने वाला, जेब कतरा यानी कि यहाँ पर आपका कर्म तत्पुरुष। तो बच्चे
नेक्स्ट टाइम से जब भी आप चीजें, जब भी यहाँ से आपको कोई चीज बताई जाती है उसको जरूर अपनी कॉपी में लिखें, जरूर आप उसको उतारें, क्योंकि हर चीज जो है महत्वपूर्ण होती है। तो आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें, जरूर एक बार पढ़ के आए, और नेक्स्ट क्लास जो है हमारी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।